हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये सब चीज़ों को जानने के बाद आज हम पढ़ेंगे कि किस मतलब कितने टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। तो देखो, बैलेंसिंग के बाद इसमें हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो है वो पांच टाइप की होती है। एक आपकी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवी हम लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन यही पांच टाइप की होती है: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पांच अगर हम रिएक्शन को पढ़ लें तो ये हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट, मेन पोर्शन कवर कर लेगा। मतलब एक तो आपका बैलेंसिंग हो गया स्टार्टिंग का, बीच का जो आपका जो मेजर पोर्शन होता है ये पांच केमिकल रिएक्शन है, और लास्ट में एक हम कोरोजन और रेंसिडिटिव कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो इन्हीं पांच रिएक्शंस को हम एक एक करके समझते हैं कि पांच रिएक्शंस है क्या, इनको कैसे करना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, पहले रिएक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं, इन सबको रब कर देता हूं। तो पहले रिएक्शन हम लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, ये नाम से ही डिफाइन, नाम से ही डिफाइन है कंबाइन। इसके नाम में पहले में आ रहा है कंबाइन, कॉम्बिनेशन में कंबाइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देख, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, जहां पर हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ले, जैसे ए बी सी डी, आप मिनिमम दो तो आपको लेने ही लेने हैं। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हमने लिए हैं, उन सबको कंबाइन किया और हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। दो या दो से ज्यादा हमने रिएक्टेंट ली, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस लिए, उन सबको हमने एक साथ कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद, उन सबको जोड़ने के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट मिला है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो दो या दो से ज्यादा, यहां पर मैंने आपको दो लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, पर आप दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हो। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे तो H2+O2 अगर मैं मिलाऊं तो ये मेरे को मिल जाएगा H2, ठीक है। सिंपल सा है कि मैंने हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो मेरे को एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। हाइड्रोजन और गैस को मिलाया, दो चीजें हमने कंबाइन की थी, मुझे एक ही मिला वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंबाइन किया तो एक ही प्रोडक्ट मिला, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें लिखते हो, C+O2, तो ये CO2 मिल गया, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसी ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। देखो, इसी के जस्ट बगल में डीकॉम्पोजिशन करवा देता हूं मैं, डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसके साथ में करने से क्या होगा, देखो इसमें क्या था, कंबाइन हुआ, इसमें डीकंपोज होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, कंबाइन हुआ, डीकॉम्पोजिशन में उल्टा चलेगा,
इसमें हमने दो को मिलाकर एक बनाया। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक को तोड़कर दो या दो से ज्यादा बनाएंगे, उसका जस्ट उल्टा चलेगा। दो को मिलाकर एक बनाया, इसमें एक को तोड़कर दो या दो से ज्यादा बनाएंगे। जैसे मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसको तोड़ दिया, बी और सी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक सब्सटेंस लिया मैंने, एक सब्सटेंस लिया, एक रिएक्टेंट लिया, उसको तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया अलग अलग, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, उनके जो भी कंपोनेंट्स है उसमें टूट जाना, तो सेम यहां पर भी चलेगा। एक जो है आपका रिएक्टेंट टूट कर जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ये हो जाएगा, जैसे एक मैंने ले लिया CaCO3, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा CaO + CO2। और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे H2O है, इसमें मैंने H2 और O2 मिलाया था तो H2O बन गया। अब मैं H2O को अगर रिएक्ट करूं तो ये बन जाएगा H2 + O2। H2 को मैं डिकम्पोज कर दूं, इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं H2O में करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं वाटर में, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उसके सब्सटेंस है, वो आपस में ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने तोड़ दिया किसी चीज को, एक चीज को लेकर उसको तोड़ दिया, दो या दो से ज्यादा में बना दिया, तो डीकम्पोज। और कॉम्बिनेशन का मतलब दो को मिलाकर एक बना दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है चीज। अब यहां पर देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी होती है, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, वो जनरली एक्सोथर्मिक भी होती है, वो जनरली आपकी एक्सोथर्मिक भी होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक भी होगी। इसको रब कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन तो क्लियर हो गया होगा। अब दो रिएक्शन में अलग से इन्हीं का पार्ट है वो कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन का, एक जैसे हो गया एंडोथर्मिक और एक हो गया एक्सोथर्मिक, दो रिएक्शन है। वैसे इसको डिफरेंस के फॉर्म में समझा देता हूं तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपकी हीट जो हुई रिएक्शन में वो एब्जॉर्ब हुई हो, क्लियर, जिसमें हीट आपकी यूज हुई हो, एब्जॉर्ब हुई हो, हीट एनर्जी कुछ भी चीज एब्जॉर्ब हुई हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, हीट या एनर्जी जिस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुई हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट जो हुई है वो एब्जॉर्ब हुई है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक इसका उल्टा, एंडोथर्मिक में हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, मतलब रिएक्शन करने के लिए मुझे उसको हीट को देना पड़ा, उसने हीट मेरे को हीट उसको देनी पड़ी ताकि वो उसको रिएक्शन को हो सके। और एक्सोथर्मिक में क्या, हमने रिएक्शन की उसमें हीट मेरे को देनी नहीं पड़ी, उसमें उल्टा मेरे को हीट मिली। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हुई, हीट प्रोड्यूस हुई है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसको हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, वो एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम नहीं दे रहे हीट, वो हमें ही हीट दे रहा है उल्टा, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, अब एंडोथर्मिक में क्या है, जहां पे हीट हमने दी है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक का पार्ट होता है, या फिर आप बोलो एंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन का पार्ट होता है। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, मतलब डी किसी को डीकम्पोज करने के लिए, किसी को टुकड़ों में बांटने के लिए, किसी रिएक्टेंट को या सब्सटेंस को, उसको हमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हमें हीट देना पड़ेगा, तो इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।
और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आ जाती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक में आएगी और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक में आएगी. मतलब डीकॉम्पोजिशन को करने के लिए मुझे हीट उसको देनी पड़ेगी और कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में वो मेरे को हीट देगा, ठीक है. तो एग्जाम्पल में कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लिख देंगे. मैं यहाँ पर FeSO4 वाली लिख देता हूँ. उसको हीट देंगे तो वो देगा मेरे को Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी. ये बैलेंस होगी, क्लियर. तो एंडोथर्मिक में कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख दो वो एग्जांपल हो जाएगा एंडोथर्मिक का. और इधर एग्जांपल देना है तो कोई भी एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दो. C+O2 तो ये मिलेगी CO2 प्लस हीट एंड लाइट. किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देती है, हीट और लाइट भी वहाँ पर हमें मिलती है. मतलब हीट मुझे मिली तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो जाएगा. तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब बेसिक सा डिफरेंस हो गया. अगर आपसे पूछा भी जाए तो ये आप डिफरेंस उसका लिख सकते हो. तो क्लियर. अभी तक हमने 4 चीज़ की, कॉम्बिनेशन जिसमें 2 चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बना दे, और डीकम्पोजिशन जिसमें एक चीज टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट ले रहा है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, वो हीट हमें दे रहा है. तो ये 4 रिएक्शंस अभी मैंने की. अभी हमने 2 ही पढ़ी है वैसे, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसी के पार्ट्स में आ जाते हैं. तो अब हम देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पे आते हैं. हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो समझ लिया कि वो रिएक्शन जिसमें एक टूट कर 2 बनते हैं या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके 3 टाइप्स होते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स होते हैं. पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा आता है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन. ये 3 टाइप्स के होते हैं. थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है. थर्मल का मतलब होता है हीट. तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम एक चीज को ब्रेक डाउन कर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, किसकी मदद से? हीट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हीट. तो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट की मदद से हम किसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, किसी चीज को डीकम्पोज करेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. ऐसी रिएक्शन जहां पर हम हीट की हेल्प से हम एक चीज को ब्रेक डाउन कर 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनाएंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जांपल अगर मैं लूँ इसमें, तो जैसे मेरे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर मैं हीट करूं तो मुझे मिलेगा CaO plus CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने ब्रेक डाउन किया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में तोड़ा, तो किसकी मदद से तोड़ा मैंने? हीट की मदद से तोड़ा. तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब अब अगर मुझे किसी चीज को ब्रेक डाउन करना हो, किसी चीज को डीकम्पोज करना हो, और मैं करंट की मदद ले रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहा हूं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन.
अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल आता है H2O का, H2O का, जिसमें वाटर के, वाटर को मैं क्या करूंगा, H2O को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन कर दूंगा। H2O में H2 और O2 होता है, तो हाइड्रो वाटर को ब्रेक डाउन करके हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। यहां पर हम किसकी मदद ले लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब अगर मैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की क्योंकि मदद ली गई है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और फिर आता है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम मदद लेते हैं सनलाइट की, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, जो सन की लाइट आती है उसकी हेल्प से जब हम किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें आपका जब भी एग्जाम्पल आएगा तो आपको सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का ही एग्जाम्पल लेना है, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का। जैसे मान लो मेरे पास एक सिल्वर क्लोराइड है थोड़ा सा, उसको मैंने चाइना डिश में लिया, प्लेट में लिया, और थोड़ा सा सनलाइट ले, थोड़ा सा उसमें सिल्वर क्लोराइड रख के, और मैंने उसको वहाँ पर सनलाइट के नीचे उसको रखा, सनलाइट में जाकर रखा, तो होगा क्या, जो अभी मेरा सिल्वर क्लोराइड है वो ब्लैक इन कलर होगा, वो थोड़ी देर में ग्रे कलर में बदल जाएगा। सनलाइट में ले जाने के बाद वो जो ब्लैक कलर का मेरे पास सिल्वर क्लोराइड था वो थोड़ी देर में ग्रे कलर का बदल जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड था जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो क्लोरीन जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा उसमें से, उस पर सनलाइट पड़ने की वजह से जो क्लोरीन है वो इवेपोरेट हो जाएगा और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। तो मेरे पास बच जाएगा Ag+Cl2 बच जाएगा, ये क्लोरीन गैस जो है ये इवेपोरेट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और सिल्वर जो है वो मेरा प्लेट में बच जाएगा। अब सिल्वर क्लोराइड जो था यहाँ, ये ब्लैक कलर का होता है, और जब ये सनलाइट में इसको रखेंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, जो सिल्वर का कलर होता है। तो मेरे पास चाइना डिश है प्लेट में, केवल सिल्वर बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हमने किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट की हेल्प लियो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम किसकी मदद लेते हैं, हीट की मदद लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद लेते हैं, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम सनलाइट की मदद लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि AgCl जो है वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद यह डिकम्पोज हो जाता है इसमें से क्लोरीन गैस, इसीलिए AgCl ब्रेक डाउन ना हो उसको हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके भी रखते हैं, डार्क कलर्ड किसी भी चीज़ में वेसल में हम इसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि क्योंकि वो डार्क कलर्ड वेसल में स्टोर रहेगा तो उसके अंदर सनलाइट के साथ वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम उसको डिकम्पोजिशन से बचा सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक देखो दो रिएक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशंस में, और उसके बाद हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी पढ़ा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो इनके ही मतलब सब पार्ट्स मान लो इनको, और डिकम्पोजिशन के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दो रिएक्शन को पहले समझते हैं, उसको अच्छे से बनाते हैं, इसको समझने के बाद हम आगे की क्लासेस में इसके आगे के रिएक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।